हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं शिव साई इलेक्ट्रिकल। तो दोस्तों, आज ये हमारे पास एक केटल आई है रिपेयर होने के लिए। तो देखिए, इसको चेक करते हैं और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक केटल है जिसमें आप पानी गर्म कर सकते हैं, दूध गर्म कर सकते हैं, चाय वगैरह इसमें भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, चेक कर लेते हैं। पावर हमने इसको दे दी है और देखिए, इंडिकेटर इसमें जल रहा है। ये देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, और ये ऑन ऑफ स्विच है, ऑन ऑफ करके भी मैंने दिखाया तो ये गर्म बिल्कुल भी नहीं हो रही है। ये देखिए, कुछ गर्म नहीं हो रहा इसमें। तो चलिए इसको देखते हैं और रिपेयर करते हैं, खोलते हैं सबसे पहले इसको। तो ये साइड में रख देते हैं इसका बेस, और ये खोल लेते हैं इसके बेस में। इसके नीचे ये तीन स्क्रू दिए हुए हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हमने इनको खोल लेना है। और एक स्क्रू, ये इसका ढक्कन हटा के आप देखोगे तो ये हैंडल के पास में ये स्क्रू एक लगा हुआ है, इसको भी खोल लेंगे। तो अलग अलग टाइप की केटल होती हैं। तो दोस्तों, किसी का तो जो नीचे बेस में तीन स्क्रू जो अभी खोले हैं वो खोलते हैं तो नीचे से खुल जाती है, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है। और देखिए दोस्तों, ये जो इसका जार है ये बिल्कुल एकदम से फिट किया हुआ है इस प्लास्टिक की बॉडी के अंदर, तो ये बिल्कुल भी निकल नहीं रहा है। तो दोस्तों, ये हमारे पास एक हेयर ड्रायर है, तो इसकी मदद से हम इसको थोड़ा सा इसके जार को हीट करेंगे तो ये इजीली निकल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये हमने हेयर ड्रायर को ऑन कर लिया है और इसको अच्छे से हमने गर्म कर लेना है ताकि ये जो इसका प्लास्टिक पार्ट है वो सॉफ्ट हो जाए और फिर ये इजीली निकल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हम इसको गर्म तो कर लिए हैं और ये खींचा है हमने तो ये आसानी से निकल गया है। तो देखिए, अब ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। तो दोस्तों, ये जो दो वायर आ रही हैं अंदर से आपको दिख रहा होगा, ये हैंडल के पास से, ये जो हमारा स्विच लगा हुआ है, ये जो दो वायर हैं ये इस स्विच की हैं जिससे हम केटल को ऑन ऑफ करते हैं। और इस स्विच के अंदर भी ऑटो कट सिस्टम दिया होता है, और जैसे ही पानी गर्म हो जाता है या उस जो भी चाय दूध वगैरह गर्म हो जाता है तो ये ऑटो कट कर जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास था, ये है एक कंटिन्यूटी टेस्टर। तो ये हम स्विच के जो दो पॉइंट हैं सबसे पहले इसको चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, स्विच ऑफ है इसलिए हमारा कंटिन्यूटी टेस्टर जल नहीं रहा, ये हमने स्विच ऑन कर दिया है। तो देखिए दोस्तों, ये अब हमारी कंटिन्यूटी आ गई है। इसका मतलब ये है कि जो ये जो स्विच है ये तो हमारा वर्किंग है, एकदम ठीक है, तो हमारी कंटिन्यूटी आ रही है, तो हमारा टेस्टर जल रहा है इसमें। तो दोस्तों, ये जो है, ये जो गोल गोल आप देख रहे हो ये इसका एलिमेंट है, तो इसको चेक करते हैं हम। तो देखिए दोस्तों, कोई कंटिन्यूटी इसमें नहीं शो कर रही, तो ये जो एलिमेंट है हमारा तो ये बिल्कुल अब डेड हो चुका है। तो ये एलिमेंट अब इसमें दोबारा से इसको लग नहीं सकता। तो दोस्तों, ये देखिए, एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए कोई कंटिन्यूटी नहीं है, तो ये केटल अब बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। क्योंकि अगर हमारे पास ये वाला जो पार्ट्स होता है, ये ब्लैक वाला जो आप देख रहे हो, ये अलग से मिल भी जाता है और लग भी जाता है, और छोटा मोटा कोई फॉल्ट होता है तो इसके पॉइंट वगैरह हम क्लीन कर देते हैं, पॉइंट में कार्बन वगैरह आ जाता है कई बार, तो वो हम
ठीक करके इसको दोबारा से लगा सकते हैं, या फिर इसको रिमूव करके दूसरा नया पार्ट भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों अब ये केटल तो अब बिल्कुल बेकार हो चुकी है क्योंकि इसका एलिमेंट ख़राब हो चुका है दोस्तों। तो अब हम इसको दोबारा से पैक कर देते हैं दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा प्लीज़।